खौत हजरा आज हमारा मौजू है शहबाज शरीफ और करप्शन गुजरात दिनों नैब ने शहबाज शरीफ साहब को तलब किया कि उनके खिलाफ जो मुकदमत हैं उसकी तफसी जो है वो उनको बता दी जाए एक घंटे की इस तफतीश में उनको इतना गुस्सा आया कि वो चिल्लाने और चीखने लगे वो क्या सवाल थे जिन पे वो इतना नाराज हुए वो क्यों चीख रहे थे ये सारी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बैक राइट आफ्टर दीज मैसेजेस। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से मुआशी बुरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेजिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट एंड किंग ऑफ किंगीट सेठ लतीफ की जानब ऐसी जबरदस्त रियायत की पैकेज का ऐलान होल बेबी गोट एंड लैम्प सिक्स बीफ विद बोन थ्री नाइन्टी नाइन बीफ की शान मसाला

नर्वस से दिखाई दे रहे थे नर्वस तो उनके दोस्त भी हैं उनके एक दोस्त मुझसे कह रहे थे चंद दिन पहले यार आप कुछ ख्याल करें शरीफ ख़ानदान पे बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है तो मैंने उनसे कहा ऐसे नहीं सोचिए दयानतदारी से सोचिए ईमानदारी से सोचिए ये सोचिए कि जब करप्ट लोगों पर बुरा वक्त आएगा तो पाकिस्तान पर अच्छा वक्त आएगा इसलिए के इन करप्ट लोगों की वजह से आज 50 परसेंट पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो भूखी सोती है बच्चे रात को दूध मांगते हैं और माँ सुबह का वादा करती है और वो सुबह कभी नहीं आती ऐसा भी होता है लाश दफनाने के पैसे नहीं होते हैं पाकिस्तान में लोगों के पास और ये सारा करप्ट लोगों ने उनका हक मारा है तो पाकिस्तान के लिए सोचिए किसी फर्दे वाहिद के लिए नहीं है नैब ने, ने उनके सामने तमाम बैंक अकाउंट्स रखे कि देखिए ये आपके साहबजादे जो थे दोनों वो ऐसे ऐसे काम करते थे कि पार्टी फंड के नाम पर वो लोगों से चेक लिखवाते थे और चेक देने वाले ये ये लोग हैं जिनमें पॉलिटिशियंस भी हैं ठेकेदार भी हैं और बहुत सारे किकबैक्स जो मिलते थे वो उसके चेक बनवाते थे और जब कोई चेक लिखता था तो उससे कहते थे कि ऊपर कोई नाम नहीं लिखिए वो हम ख़ुद लिख लेंगे जब वो चेक देके चले जाते थे तो फिर उसके ऊपर उन अकाउंट्स के नाम लिखते थे जो जाली अकाउंट्स इन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पे बनाए हुए थे वो चेक वहाँ डिपॉज़िट हो जाते थे उसके एक हफ़्ते के बाद वहाँ से चेक लिख कर अपने अकाउंट्स में अपनी वालदा के अकाउंट्स में और कुछ शहबाज़ शरीफ साहब के अकाउंट में मुंतकिल हो जाते थे तो जब उन्होंने ये सारी दास्तान सुनी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ का प्रूफ है कि ये बैंक का नाम है इस दिन ट्रांजैक्शन हुई इतने की हुई कहाँ से हुई कहाँ गई तो वो कहने लगे हाँ मैं मानता हूँ ये गलती हुई है ये ये गैर क़ानूनी काम हुआ है तो उनसे कहा अब आप इस पर क्या और मज़ीद क्या आप चाहते हैं हमसे हम क्या करें तो कहने लगे आप मुझसे कुछ मत पूछिए मेरे बच्चों से पूछिए ये मेरी बीवी के अकाउंट है मेरी बीवी के मेरी बीवी से पूछिए उनसे कहा अच्छा ठीक है साहब अब ये अकाउंट हैं जो आपके अकाउंट हैं क्या आप इन अकाउंट्स को पहचानते हैं ये बैंक आपका है जिया है ये अकाउंट नंबर आपका है जिया है इस अकाउंट में इस तारीख को ए टी टी आती है इतने अमाउंट की जी आती है ये इस जाली अकाउंट से आई है ये इस रिसोर्स से आई है और इस इस अकाउंट से आप अपनी बीवी के लिए डीएचए में लाहौर में बंगला खरीदते हैं और उस बंगले के बेनिफिशियरी भी आप हैं क्या ऐसा है जी हाँ ऐसा है अब वो घबरा गए कहने लगे कि ये आपने कैमरा यहाँ पे क्यों चलाया हुआ है आप इस कैमरे को बंद करें मैं सही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मैं इरिटेट हो रहा हूँ तो उनसे कहा साहब कैमरा तो आपकी हिफाजत के और हमारी हिफाजत के लिए है कि बाद में कोई मुकर न सके कहेंगे नहीं ये कैमरा बंद कीजिए और आपको अगर है आप आइए आगे टी वी पर मेरे साथ मुनाजरा कीजिए अब इस बंदे को कोई समझाए कि ये अदालत का काम मुनाजर करना नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग जो हैं वो मुनाजर नहीं करते अब तुम ग्राउंड घुमाना चाह रहे हो बात कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हो खैर ख़वातिन हजरा तमाम चीज़ें सामने आने के बाद उनके होश उड़ गए उनको बताया गया कि ये चार आदमी हैं जिसमें से एक का नाम आफ्ताब है एक मुश्ताक चीनी है ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के बड़े मकबूल नाम हैं इंग्लैंड में भी ये मतलूब है क्या आप इनको जानते हैं मजबूरन कहना पड़ा जी जानता हूँ ये आफ्ताब नामी इतने ताल्लुक थे कि वो बग़ैर इजाजत के इनके कमरे में घुसता था अब ये चार लोग वादा माफ गवाह बनने के लिए हामी भर चुके हैं फिर उनको बताया गया कि 120 सौ अफराद अब तक आकर अपना रिकॉर्ड बयान कर चुके हैं कि उन्होंने कब पैसे दिए कितने पैसे दिए और वो पैसे कहाँ गए अब जब उनके सामने इस तमाम सूरत हाल आई है तो यकीनन उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि वो इसको डिनाई करें अब वो कुछ नई सियासी बार्गेन करेंगे मेरी दुआ है कि अब नैब ने अपना काम कर दिया अब अदालतें अपना काम दिखाएं देखिए शहजाद अकबर हेड्स ऑफ टू यू जो काम उन्होंने किया है देखिए करप्शन को साबित करना वाइट कॉलर क्राइम को इतना ही मुश्किल होता है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मछली ने पानी में तैरते हुए पानी पिया साबित कीजिए इट्स वेरी टफ वेरी डिफ़िकल्ट लेकिन शहजाद अकबर ने फिनल जॉब किए बहुत ज़बरदस्त काम किया अब ये जो जजेज़ हैं इनको चाहिए कि ये नमक हलाली करें नमक हरामी ना करें कौम के साथ और इनको सज़ा दें अगर सज़ा होगी देखिए करप्शन का वायद हल ये है कि आप उसमें आँखों में आंखें डाल के उसका मुकाबला करें बगैर उसके वो नहीं करप्शन को चैलेंज करना पड़ता है एक आखिरी बात जो ईमानदारी से मैं आपको कहता हूँ कि इमरान खान क्या है आप कोई भी काम ना करें लेकिन करप्शन के सुतूनों को उन्होंने हर कोई इसकी तरह जो हिला के फेर तोड़ दिया है ये बहुत बड़ा काम है अब सब का काम है अब सब की ड्यूटी है कि अदालत की खास करके कि वो आगे बढ़ें और ऐसे लोगों को जायज़ सज़ा दें मेरी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं फाइव सिद्दीकी शो अगर आप उनको पसंद कर लें सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी इनायत आपकी शुक्रिया खुदाफ़